हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम 14 में 3 का भाग कैसे दें, यानी 1/4 डिवाइडेड बाय 3। या देखिए बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। भाग देने की शुरुआत हम कहाँ से करें, यह आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपने सीख लिया तो आपके भाग में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों, भाग देने की शुरुआत कुछ ऐसे करते हैं। देखिए, यदि एक अंक की संख्या तो हम यहाँ पर एक अंक के साथ तुलना करते हैं। तुलना करके क्या देखते हैं, क्या यह संख्या आपकी 3 से बड़ी है या 3 के बराबर। देखिए यहाँ पे कितना एक है, जो कि 3 से छोटा है। अब क्या करेंगे, हम अगला अंक शामिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताने की कोशिश किया कि किस प्रकार से हम यहाँ पर अपनी संख्या को लेकर चलते हैं। पहले एक अंक को देखा, एक अंक छोटा है तो फिर अगले अंक को शामिल करेंगे। यदि एक अंक बड़ा है तो फिर उसके हिसाब से अपना भाग शुरू कर देते हैं। ठीक, यही सबसे बड़ी गलती होती है कि जहाँ पर हमें एक अंक को लेना होता है वहाँ पे हम दो अंक को ले लेते हैं, फिर भाग हमारा बैठता ही नहीं है। अब हम 3 को, पहाड़े को कितनी बार लें कि 14 से बड़ा नहीं है। 1 3 3, 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12। देखिए 3 का 4 बार पहाड़ा लेते हैं तो कितना आ रहा है, 12, जो कि इससे बड़ा नहीं है। घटाने पर कितना आ रहा है, 2। ध्यान रखें, घटाने पर जो संख्या है कि वो आपका 3 से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर यह संख्या हमने सही लिया है। उसके बाद क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं और इसके साथ एक जीरो लिख देते हैं। कितना बन गया, 20। 5 3 15, 6 3 18, 7 3 21। देखिए 7 बार लेने पर 20 से बड़ा आ गया, 6 बार लेने पर कितना आ रहा है, 18। फिर इसको माइनस किया, कितना आ गया, 2। क्योंकि हमने पॉइंट लगा रखा है तो हमारे पास क्या पावर है, हम इसके साथ एक जीरो लिख सकते हैं, घटाने पर जो संख्या है। फिर हम 3 का पहाड़ा 6 बार बोला, कितना आ गया, 18। फिर हमने माइनस किया, 2 आ गया। ओके, इसको मैं अब सेंसफुल डिक्लेयर कर देता हूँ। ये आपका क्या है, भागफल है। इसके बराबर में हम क्या लिखेंगे, अपना भागफल लिखेंगे। ठीक है, ओके। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। देखिए आगे भी कितना आएगा, 6 आएगा। तो कभी कभार जब यहाँ पर आगे का अंक 5 से बड़ा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसको हटाते हैं तो आगे में एक जोड़ देते हैं, 4.67। ऐसे भी आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है। तो वो किसके नियम से हुआ है, गणित के नियम से। ठीक है, कैसे, जब आगे जो तीसरे स्थान पर है पॉइंट के बाद 1 2 3, उसको हटाते हैं और वो 5 से बड़ा है तो उसको हटाएंगे तो आगे में एक जोड़ना पड़ता है। ठीक, लेकिन हमने तो 2 पॉइंट तक ही कैलकुलेट किया, लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए।